हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों आज आपका मैथ्स का टर्न है, तो निकालिए अपनी मैथ्स की बुक्स। तो बच्चों इसमें एक्सरसाइज 8.5 हम करेंगे, फाइंड द फॉलोइंग एंड फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग्स। तो बच्चों इसमें हमें दे रखा है 1/4 f/r, मतलब एक घंटे का 1/4 भाग क्या होता है। तो हमें पता है एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे। फिर 1/4 f/r, तो इसको हम 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 15 मिनट्स आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है आपका 4/5 of 40, मतलब 40 का 4/5 भाग क्या है। जब ऐसा पूछा जाता है तो बच्चों उस नंबर की उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। जैसे कि 3/5 of 1 rupee, 1 rupee में हम पता 100 पैसा होते हैं, तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों रेसिप्रोकल ये होता है कि इस नंबर का उल्टा, यानी कि 2/5 का 5/2, 3 का 1/3, 1/3 का खाली 3, इनको इनकी पोजीशन बदल देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर ये जैसे आपका 2/5 का आया 5/2, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कुछ भी नहीं है, हमें इन्होंने पूछा है 1/4 of an hour, तो हमें पता है आर में 60 मिनट्स होते हैं। हमने सिंपल इसको क्या किया, 60 मिनट्स को मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गॉट आर आंसर 15 मिनट्स। तो बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और ये चैप्टर प्रिपेयर कीजिएगा, यूटीज में भी आएगा। तो ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों। अब निकालिए अपनी जीके की बुक्स। बच्चों पेज नंबर 38 पर ग्रेट इंडियंस हमारा एक लेसन का नाम है। इसमें हमारे कुछ इंडियंस हैं जिनके बारे में बताया गया है जो बहुत महान थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको लौह पुरुष यानी कि आर्यमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, जिनको वीर मर्दानी के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि खालसा के टू डिफेंड द वीक खालसा के क्रिएटर थे। इसी तरह गौतम बुद्ध सब जानते हैं। तो ये सब के बारे में आपको रीड करना और लर्न करना है। बच्चों आप कोरोना काल में जो है घर पे बैठे हैं, तो लेजी हो गए हैं, तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इनको आपको अच्छी तरह से रीड करना है, क्योंकि इनमें से मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी एग्जाम में, और ये एक्सरसाइजेस आप घर पे भी ट्राई कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ प्ले टाइम जो हम खेलते हैं गेम सिंपली, जैसे कि बेसबॉल, आपने नोबिता डोरेमोन में देखा होगा ना बेसबॉल खेलते हैं, दिस इज कबड्डी। आइस हॉकी, बच्चों आइस हॉकी सिंपल हॉकी तो हम ग्राउंड पे खेलते हैं, लेकिन ये आइस हॉकी है जो कि कनाडा का विंटर स्पोर्ट, नेशनल विंटर स्पोर्ट गेम भी है। एक होता है रग्बी, फेंसिंग और जूडो और मार्शल आर्ट्स होते हैं। बच्चों ये हमारे कुछ हमारी क्रॉसवर्ड पजल है। इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे किसके बारे में पूछे गए हैं, जो हमारा स्पेस यानी कि यूनिवर्स होता है। हमारे यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं, इट्स अनगिनत है, लेकिन जो हमारी गैलेक्सी में है वो है हमारे 7 प्लैनेट्स, मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और वरना तो बहुत प्लैनेट्स है जो कि अनगिनत है, पर हमारी गैलेक्सी के बस यही है। नेक्स्ट आता है आपका ये क्रिसमस ट्री है। बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको पूरा करके इन आंसर्स आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्मॉल इंसेक्ट, सबसे छोटा इंसेक्ट कौन सा है, एंट यानी कि चींटी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू डू देम, बहुत इजी है, यू कैन डू दिस। कुछ ही हमारे प्रोफेशंस है, मतलब जो व्यक्ति जो काम करता है उसको क्या कहते हैं। जो लोग सॉन्ग लिखते हैं उनको कहते हैं लिरिकिस्ट, जो टीवी पर प्रेजेंटर मतलब जो बताते हैं ना कि ये आने वाला है ये, उनको कहते हैं एंकर। मेकिंग कार्टून, जो कार्टून बनाता है उसको कार्टूनिस्ट कहते हैं। इसी तरह जो डांस सिखाता है उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। तो बच्चों ये थे हमारा आज का काम, तो आप अच्छी तरह से कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।